All right. Guys, इस बार CET में critical reasoning is going to be 25 question. ठीक है। है, 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 ऐसा बोला गया कि 25 question आएंगे, 25 का का भी 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 हो 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 सकता है, 10 भी हो सकता सकता पूरा का पूरा गायब भी हो सकता है कुछ भी हो, होने को कुछ भी हो सकता है सो सैटरडे लास्ट सैटरडे आई बेट अ लेडी सेट करती थी मैडम ठीक है सो वेन आई वॉज टॉकिंग टू हर कि मैं आप, आप जब सी टी का पेपर सेट करते थे आप क्या दिमाग लगाते ही वॉज अ वेरी स्मार्ट लेडी बाई द वे ही वॉज अ पी आई पी एच डी होल्डर तो पूरा मैम से मैंने पहले तो मैंने मैम से पूछा मैम 2024 में किसने सेट किया अगर पता तो बता दो यार 2024 में किसने सेट किया बता दो प्लीज मैडम प्लीज मैडम प्लीज, प्लीज अरे अभी नहीं मैडम 10 साल पहले पेपर सेट करती थी यार तो तो मैम आप कैसे करते थे पेपर सेट तो क्या सॉफ्टवेयर यूज करते थे आप एआई यूज करते थे दस साल पहले क्या करते थे आई नो वट मैम सेट कि देखो भाई इट्स नॉट माई फुल टाइम जॉब सूरज लेडी मैम थी यार तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि मैडम कितने घुट मारे थे पेपर से पहले पहले तो पेपर ठीक आता था, था ना तो एनी anyway, वे तो शी वी जस्ट कॉपी पेस्ट शी से तो फिर आईबीपीएस आ गया तो सीईटी का पेपर वॉज गिवन टू आईबीपीएस लास्ट चार साल दो हजार सत्रह से लेकर दो हजार बीस तक पेपर यूज बाई आईबीपीएस 21 बाईस तेईस द्वारा सीईटी खुद पेपर सेट करना शुरू कर दिया एंड सीई का पेपर अप टू अ बिग लेवल इज इंस्पायर्ड बाय एस का एग्जाम दिस पेपर वाज इंस्पायर्ड बाय आईबीपीएस दिस इज इंस्पायर्ड बाय एस का एग्जाम एग्जैक्टली सूरज इवन अप टू द लेवल लास्ट ईयर उन्होंने फिलीपींस का एक वीडियो कॉपी मारा फिलीपींस का एक एब्स्ट्रैक्ट का वीडियो था उन्होंने सेम टू सेम वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कौश्च, थे आई थिंक फोर्टीन या सेवनटीन क्वेश्चन थे सेवनटीन के सेवनटीन क्वेश्चन वहां से उठा के पेपर में डाल दिए मतलब इतना कॉपी पीएचडी होल्डर्स ऐसा काम करते हैं तो दिमाग खराब होता है उनका भी लॉजिक राइट right है यार मैम ने क्या बोला कि यार देखो दिस इज नॉट माई फुल टाइम जॉब सीई का पेपर सेट करना इज नॉट माई फुल टाइम जॉब नंबर आई आई हैव टू एम द कॉलेज इज अ कॉलेज कॉलेज के भी काम करने हैं साथ में सीई का पेपर भी सेट करना है नंबर वन एंड मेन रीजन वॉज वी आर नॉट पेड दैट मच उतना पैसा मिलता ही नहीं है तो जब पैसा भी नहीं मिल रहा और एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा तो मैं क्यों करूं correct like lot lot of people you will feel that when a faculty is full time available with you for example if I am teaching full time it's my bread and butter it's my passion that's why i'm getting involved with CET exam theek hai और बाकी co- coaching वाले जिसको CET पे focus नहीं है भी क्यों CET से पैसा नहीं आ रहा उनको इतना ठीक है तो वो focus क्यों क्यों करेगा CET पे उससे ज़्यादा क्या बेचो that way तो so anyway coming back to the point इस बार भी सीई का पेपर विल बी कॉपी पेस्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सिस आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग अगर आपके पास हमारी येलो बुक है अगर आपके पास हमारी पर्पल बुक है सी का एक एक टॉपिक एक एक टॉपिक उसमें से कॉपी पेस्ट आएगा दैट आई कैन यू ठीक है एटलीस्ट आई कैन से दैट वन नाइनटी क्वेश्चन दो सौ में से होंगे होंगे उसमें से दस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं बट वन नाइनटी क्वेश्चन तो आई कैन श्योर ऑफ बी श्योर ऑफ उसी के ऊपर बेस जाएगा Sorry.